हेलो दोस्तों, मैं रोहित आपके अपने चैनल मैकेनिकल फ्लिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम स्प्रिंग के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने आमतौर पर देखा है कि स्प्रिंग का प्रयोग कई महत्वपूर्ण जगहों पर होता है। ज़्यादातर इसका प्रयोग हम उन स्थानों पर करते हैं जहाँ प्रयोग बलों को नियंत्रित करना हो या छटकों को सोखने के लिए भी हम इनका प्रयोग करते हैं। आपने देखा है, स्प्रिंग का प्रयोग साइकिल गद्दी में, मोटरसाइकिल में, रेल के डिब्बों में तथा ज़्यादातर उन सभी वाहनों में प्रयोग करते हैं जो भार ढोने का कार्य करते हैं। यहाँ इसलिए करते हैं कि इनमें जो वाहनों में जो इम्पैक्ट लोड पड़ता है वाहनों पर, उसे स्प्रिंग ऑब्जर्व करके धीरे धीरे वापस कर वो अपने मूल रूप में आ जाती है, जिससे वाहन पर जो अचानक फोर्स लगता है उससे वाहन की क्षति ना हो। दोस्तों, स्प्रिंग क्या है, इसकी डेफिनेशन हम जानेंगे। स्प्रिंग किसी मशीन या युक्ति का वह प्रत्यास्थ अंग है जो बाह्य बलों के कार्य को ग्रहण करके उसे प्रत्यास्थ विरूपण के रूप में बदलता है, अर्थात बाह्य बलों के प्रभाव में स्प्रिंग पदार्थ का विस्थापन होता है। जब स्प्रिंग से बाह्य बल हटा लिया जाता है तो वह वापस अपने मूल रूप में आ जाती है। ये अपने आकार के कारण बिना प्रत्यास्थता खोए किसी स्प्रिंग का पर्याप्त विस्थापन हो सकता है। जैसे कुंडलीदार इस्पाती स्प्रिंग को उसकी लंबाई के दुगने तक बिना प्रत्यास्थता खोए खींचा जा सकता है। तो दोस्तों, स्प्रिंग की क्रिया यही है कि यह ऊर्जा को विकृति ऊर्जा के रूप में सोखता है, जिससे उसके रूप में परिवर्तन हो जाता है और फिर यह धीरे धीरे ऊर्जा को वापस करने के पश्चात अपने पूर्व आकार में आ जाता है। इनका प्रयोग हम गति नियंत्रित करने के लिए तथा बल लगाने के लिए भी करते हैं, जैसे ब्रेक, क्लच, अंतर्धान इंजनों के वाल्व, कैम तथा फॉलोअर इत्यादि पर, तथा ऊर्जा को स्टोर करने के लिए भी इसका प्रयोग हम करते हैं। अपनियों तथा ट्रिगर मैकेनिज्म में भी इसका प्रयोग ऊर्जा को स्टोर करने के लिए होता है। यह कई प्रकार की होती हैं, जैसे हेलिकल स्प्रिंग, स्पाइरल स्प्रिंग, लीफ स्प्रिंग, डिस्क स्प्रिंग, ब्लॉक स्प्रिंग। तो दोस्तों, स्प्रिंग के क्लासिफिकेशन के बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो आप सबको कैसी लगी? यदि वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तब तक के लिए नमस्कार।